भाई नाम है इनका। इन्होंने हमको काफ़ी समझाया, काफ़ी बताया और सारी चीज़ें बताई कि यहाँ आसपास क्या साइट सीन है। हमको इनवाइट भी कर रहे थे लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है तो हम यहाँ से निकल रहे हैं काठमांडू के लिए। इधर जाने का 35 मिनट है, यहाँ से 30 किलोमीटर, वो यहाँ 15 किलोमीटर है। हाँ उधर ही, हाँ वो उधर जाके आए लोग बोला चलो। मेरे थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे लिए बहुत हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलिए तो चलिए, चले मिलेंगे आपसे। ठीक है, पेट्रोल पंप किधर है यहाँ से? सीधा आप वो लेफ्ट साइड जाना, इधर से लेफ्ट साइड चलो यहाँ से। हाँ थोड़ा आ गया, वो एक पटीशाला देखा हुआ ना उधर। हाँ वहाँ से इधर चलिए, ठीक है, वो उधर पेट्रोल पंप मिलेगा। हाँ भी आया है। अच्छा उधर ही से ऐसे घूम कैसे? ओ चले, थैंक यू। निकल रहे हैं हम अभी पेट्रोल भरवाने के लिए। बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवा दिया है और नज़ारा देखो यहाँ का, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इनके हिसाब से काठमांडू जो था ना इससे भी बेकार है, मतलब पोखरा अच्छा है काठमांडू से भी। 135 रुपये लीटर इंडिया का कितना हुआ? 1048 का कितना? 7.5 लीटर। वापस से हम होटल आ चुके हैं अपने और जल्दी से सामान लोड करते हैं बाइक पर और निकलते हैं यहाँ से काठमांडू के लिए। उतरना नहीं पड़ेगा, पानी भी ठीक है, पानी के लिए। हाँ नहीं उतरना नहीं पड़ेगा। मेरी आंखों के सामने है जो है पूरा हिमालय पर्वत। 1:24 हो रहा है, हमको लगी है भूख। बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा और यहाँ पे हम रुके हैं कुछ खाना पानी के लिए।
वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और देखो यहाँ पे हमको साबुन भी मिलता है हाथ धोने के लिए, लाइव बॉय मिला है। वाह, पानी लेकिन ठंडा है। अभी हमने ऑर्डर किया है मनचाओ, वेज मनचाओ, और ये बात जो कहे मनचाओ काफ़ी बड़ी प्लेट है और काफ़ी ढेर सारी क्वांटिटी है मनचाओ की। दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अब खा के बताते हैं कैसा है। बाकी यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। संतरा खाने का रिवाज हम देख रहे हैं। नॉर्मली लोग रुकते हैं संतरे की दुकान पर और संतरा खरीदते हैं और अपनी गाड़ियों में बैठ के खाते जाते हैं, और यहाँ पर भी कुछ मिल रहा है खाने का। भुट्टे मिल रहे हैं,
अच्छा, रोड की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोखरा से काठमांडू शुरू के 30-40 किलोमीटर कुछ ख़राब है, और बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके हिसाब से एवरेज रोड होगी, क्योंकि इंडिया में उस तरह की रोड एवरेज होती है। और उसके बाद की रोड ऐसी है जैसी अभी हम चल रहे हैं, और पूरे शायद काठमांडू तक गई है। काठमांडू कुछ 80 किलोमीटर है यहाँ से, और पूरी रोड ऐसा ही है। तो बहुत प्यारी रोड है, बहुत खूबसूरत रोड है, सीनरी बहुत अच्छी है। बगल बगल में पूरी नदी साथ साथ चल रही है देखो, और राइट साइड पूरे पहाड़ हैं। रास्ते भर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, ट्रैफिक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एवरेज ट्रैफिक है। और खाने का तो बहुत कुछ है, मतलब नॉर्मल खाना खाना है, रेगुलर खाना खाना है, लोकल खाना खाना है, जैसा भी खाना है सब जगह मिल जाएगा। और उसके साथ ही बाइक कार की मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर भी है, हवा भरवाने वाली जगह है, और बीच बीच में होटल भी है रुकने वाला। फिलहाल हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं और पहुंचेंगे काठमांडू कुछ 7 बजे 7:30 बजे, अंधेरा हो जाएगा जब तब तक पहुँचेंगे। तो तब तक आप आराम करिए और हम पहुँचते हैं तब तक। फॉग नहीं जम रहा है, बीच में थोड़ा सा जम जाता है लेकिन वो ख़त्म भी हो जाता है। मस्ट रिकमेंडेड है ये वाला हेलमेट सभी को, जो लोग फॉग में या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। इसकी कुशन पैडिंग अंदर की बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदेह है और बहुत मजबूत भी है। टाइम हो रहा है 7:30 और अभी काफ़ी मुश्किलों में हम जूझ रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, टूटा फूटा, बहुत ख़तरनाक, और ट्रक और ये गाड़ी वाड़ी इतना लंबा जाम लगा हुआ है, देख रहे हो ना कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है। यहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल जो है ना 99% भी नहीं, 100% होनी चाहिए। और एक से एक बड़ी गाड़ी इसी रास्ते, we'll be right back.
लगी है बहुत ज़ोर से, ज़बरदस्ती का पानी पी दिया था हमने। कोई भी गाड़ी लिया हो ना, बैंड बज जाएगी ऐसे रास्ते पे, ट्रक के आगे निकलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ट्रक से ज़्यादा डर लग रहा था, अब उतना डर नहीं लग रहा है। टनल बन रहा है, अच्छा लेफ्ट साइड मेरे टनल बन रहा था। ये कोई टोयोटा की वैन है, बहुत ढेर सारी है नेपाल में, सिर्फ यही चलती है, लेकिन बहुत बेहतरीन लगती है, पूरी पैक और खूब स्पीड है इसमें। चलो जाम से छुट्टी मिली, अब थोड़ी अच्छी रोड भी है, आगे का कोई आइडिया नहीं है आगे कैसी रोड होगी, बट अभी फिलहाल अच्छी है, ट्रैफिक भी कम है। जब रोड ख़राब होता है ना तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा लग जाता है। अभी और दूर जाना है और कंटिन्यू करें, उससे पहले हम बाथरूम हो लेते हैं, सामने हमको दिख रहा है बाथरूम, जल्दी से जाके होके आते हैं। ऑफिशियली वेलकम टू काठमांडू, कैपिटल ऑफ नेपाल। अभी तो अंधेरा है हर जगह, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, खाली गाड़ियाँ और कुछ दुकानें दिख रही होंगी और रोड दिख रही होंगी। कल हम दिखाएंगे काठमांडू शहर, ठीक ठाक शहर है, क्राउडेड है वो भी इसलिए क्योंकि कैपिटल सिटी है, क्राउडेड तो होगी ही। अभी हमको होटल ढूंढना है, मेन काठमांडू शहर थोड़ा और दूर है शायद, बस आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं पे बोर्ड नहीं लिखा है काठमांडू कितनी दूर है, लेकिन काठमांडू जो एरिया है शहर है उसमें हम इंटर हो चुके हैं। टाइम इज़ 8:22 इन द इवनिंग और अभी हम होटल ढूंढते यहाँ आ गए हैं। कोई अजीब सी जगह है जहाँ आसपास सब होटल, लॉज, हॉस्टल, इस तरह की चीज़ें हैं, और हमको भी होटल मिला तो है 1200 NPR का, मतलब करीब 750 रुपया इंडियन का, इतने प्राइस का होटल है। और होटल है थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा, हम देख रहे हैं अपनी, मेरी बाइक चौड़ी हो गई ज़्यादा तो अंदर जा पाएगी कि नहीं, ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि होटल है थोड़ा पतली गली में। बड़ी वाली लाइट कर देते हैं बंद, और बहुत ही अमेजिंग सा होटल है, अंदर रूम आप देखेंगे ना क्या रूम है, कमाल का, देखो पतली सी, चला जाएगा बिल्कुल बाइक जितनी जगह है इस गली में, और पार्किंग सामने बिल्कुल, एडवेंचरस जगह है काफी ज्यादा। अंदर आके बड़ी जगह थी, टच भी नहीं हुआ कहीं। अब रूम चल के दिखाते हैं आपको कि रूम कैसा है, बैग एक निकाल लेते हैं। फिश पॉन्ड, खुला रूम, छोटा सा है लेकिन काफी ज्यादा डेकोरेटिव। और अब हम अपने रूम को खोलने जा रहे हैं, रूम नंबर 1 है, और ये हमने रूम को खोला, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा रूम है ये। ओ देखा, ये पूरा रूम, ये पेंटिंग है, किसी ने हाथ से बनाई है, एवरेस्ट पर जा रहा है कोई ट्रैक करके, पीठ पर बैग टांगे, यहाँ पे कारपेट है, एक ट्यूबलाइट है, पूरा लकड़ी का है, और ये बाथरूम है, बाथरूम भी अच्छा है, वॉश बेसिन है उधर, सब कुछ है रूम। और इधर खिड़की है बाहर देखने के लिए, बालकनी छोटी सी, इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि हवा आ रही है। चल के बाकी सारा सामान लेकर आते हैं और आराम करते हैं, खिड़की को भी क्लोज कर देते हैं।